पिछले कालांशों में हमने एकाधिकेन विधि को अच्छे से समझ लिया है और एकाधिकेन विधि से गुणा करना भी हमने सीखा था। अब हम एकाधिकेन विधि से वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। एकाधिकेन विधि से वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस विधि से हम ऐसे संख्याओं का ही वर्ग ज्ञात करते हैं जिनमें इकाई का अंक 5 होता है। उदाहरण के लिए जैसे हमको 25 का वर्ग ज्ञात करना है तो ठीक है, इसको हम दो भागों में बांटेंगे। एक भाग हो गया हमारा दाया हिस्सा और एक हो गया हमारा बाया हिस्सा। दाएं हिस्से में हम सीधा सीधा 5 का वर्ग 25 लिखते हैं और बाएं हिस्से में जो पूर्व का अंक है उसको एक आधिकेन से गुणा करते हैं, यानी कि 2 को हम गुणा करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा हमारा 625। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने 25 का वर्ग ज्ञात कर लिया। अब हम जैसे मान लो यहां पर 45 का वर्ग ज्ञात करना चाहें तो बहुत ही आसानी से सीधा सीधा भी हम कर सकते हैं, 5 का वर्ग 25 और 4 को अपनी अगली संख्या 5 से गुणा करना, तो 4 का हो जाएगा 20, तो ये हो गया अपना 2025। और भी हमको अगर बड़ी संख्याओं के वर्ग ज्ञात करने हैं, जैसे हमने 65 का वर्ग ज्ञात करना है तो वही 642 और 5 का वर्ग 25, तो 4225, यानी कि जितनी देर में हम लिखते हैं किसी सवाल को उतनी देर में हमारे सामने वर्ग आ जाता है। हम 75 का वर्ग ज्ञात करना चाहें, देखिए 7 8 56, 5 का वर्ग 25, तो 5625 हो गया। और भी बड़ी संख्या मतलब दहाई, केवल दहाई तक ही नहीं, हम मान लो सैकड़ों तक की संख्याओं का भी करते हैं। जैसे हमको चाहिए 115 का वर्ग, तो 5 का वर्ग हो गया हमारा 25 और यहां हम 11 को 12 से गुणा करें। मान लो इसके लिए हम लिख भी सकते हैं 11 गुणा 12, तो हम 11 को 12 से गुणा करेंगे तो अपने सामने आता है 132 और 25, 13225 हमारे सामने आ गए हैं। तो कुल मिलाकर ये जो विधि है बहुत ही आसान है और इससे हम दहाई तक के अंकों का या सैकड़ा तक के अंकों का भी वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि में जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये है, कई बार बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं क्या ये यहां पर लागू होता है, यानी कि अगर हमारे सामने इस तरह के अंक हो जिसमें मान लो ढाई से भी आगे सैकड़ा के मान लो अंक हो, जैसे कि अपने सामने आ गया 215, तो 215 का वर्ग हमको ज्ञात करना है, तो फिर वही 5 का वर्ग कितना हो गया 25 और 21 गुणा 22 हम यहां पर करते हैं, तो 21 गुणा 22 हो गया अपना 462, 462 हो गया और 25, तो 46225 हो जाएगा अपना 215 का वर्ग। तो इससे पूर्व भी हमने एकाधिकेन विधि के उपयोग पढ़े थे, यहां भी हम एकाधिकेन विधि से वर्ग ज्ञात करना, ध्यान रहे इस वर्ग को हम एकाधिकेन विधि से ज्ञात कर रहे हैं, उसकी मुख्य शर्त यही है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। आगे कुछ और संख्याओं के वर्ग जब हमको ज्ञात करना होंगे उसके लिए हम कोई और विधि लगाएंगे। इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से संख्याओं के वर्ग ज्ञात कर सकते हैं।